रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज सपा नेता मोहम्मद आजम खान के मामले को लेकर खुलकर बोली हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोहम्मद आजम खान की रिहाई को लेकर आज पहली बार खुलकर बोली हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार पर मायावती तंज कसते हुए कहा है कि यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार देशद्रोह व आतंकी कार्रवाई तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीबी सवा दो वर्षों से जेल में बंद रखने का मामला काफ़ी चर्चाओं में है। मायावती ट्वीट करके लिखते हुए कहती हैं कि जो लोगों की नज़र में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। मायावती भाजपा पर तंज कसते हुए पहली बार मोहम्मद आजम खान की रिहाई को लेकर बोलती हुई दिखी हैं।